नमस्कार, हिमालिनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। नोएडा और गाज़ियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू, सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नोएडा और गाज़ियाबाद के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही दोनों जिलों के स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली, लखनऊ, बनारस के बाद अब नोएडा और गाज़ियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नोएडा और गाज़ियाबाद के डीएम ने गुरुवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने वाला है। इसके साथ ही नोएडा और गाज़ियाबाद के स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी बंद कर दिया गया है। नोएडा और गाज़ियाबाद डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूरे ज़िले में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल सर्विस भी बंद नहीं होगी। नेशनल या स्टेट हाईवे मूवमेंट को भी नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को 17 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज के साथ ही सभी कोचिंग सेंटर्स को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे और सभी तरह की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा, यानी परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। नोएडा डीएम ने पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को पब्लिक प्लेस पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया गया है। पब्लिक प्लेस के अलावा सार्वजनिक दफ्तरों में भी कोरोना नियम को लेकर अभियान चलेगा। नोएडा और गाज़ियाबाद से पहले उत्तर प्रदेश के बनारस, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। बनारस में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले में कोरोना केस को देखते हुए फैसला लेने का विशेष अधिकार दिया था। देश के इन राज्यों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू 8 बजे से रात के सुबह 7 बजे तक शनिवार, रविवार ये लागू रहेगा। पंजाब में नाइट कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 11 जिलों में लागू रहेगा। राजस्थान में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 शहरों में लागू रहेगा। ओडिशा में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 जिलों में ये लागू रहेगा। गुजरात में नाइट कर्फ्यू 8 बजे से रात के सुबह 6 बजे तक 20 शहरों में लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू रायपुर और दुर्ग दो शहरों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। झारखंड में नाइट कर्फ्यू 8 बजे रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक 30 अप्रैल तक ये लागू रहेगा। यूपी में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 6 जिलों में लागू रहेगा। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में 9 से 15 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर 9 से 15 अप्रैल तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री विजय कोरोना संक्रमित। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग के दिन विजयन की बेटी भी संक्रमित हो गई थी। केरल में आज कोरोना के 4,353 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 18 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गोविंदा की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव। बॉलीवुड स्टार गोविंदा 6 दिन बाद कोरोना निगेटिव हुए। इन दिनों गोविंदा ने किताबें पढ़ने और फिल्म देखने में अपना समय व्यतीत किया। उन्होंने कहा कि वे डॉक्टर के निर्देशन पर नियमित अंतराल पर अपना टेस्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील भी की है। दर्शकों, आगे भी आपसे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हिमालिनी टेलीविज़न के साथ। अगर अभी तक आपने हिमालिनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हिमालिनी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली कोई भी खबर आपसे ना छूटे।